से हिला भी नहीं पाएंगे। नैन झटक सड़क संको चटक चढ़ाऊ कल ब्रह्मा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड रामलीला देखने, और आपको भी दिखाता हूँ मैं कैसे जा रहे हैं। I-10 पे जा रहे हैं गोलू भाई के साथ में। गोलू भाई के बुआ का लड़का जो है वो बना है लक्ष्मण, और वहाँ पे चार हीरो आ रहे हैं, चार हीरो दिखाऊँ मैं आपको। सो गाइस हमारी कार रेडी है, देख सकते हो ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं। इधर आना है तो भाई, इधर ही आना है तो भाई, ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं। रामलीला देखने मॉडल टाउन। अच्छा हमारे भाई लक्ष्मण जी का रोल कर रहे हैं गोलू जी, सब सुमित भी सही है। ठीक है तो भाई हमारी कार रेडी हो चुकी है और निकल गए। जय भोले बाबा की, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, देख सकते हो भाई फोन पे लगे अपने भाई को बुला रहे किसी को। ये ग्राउंड है, दिखा सकता हूँ मैं आपको भाई। यहाँ पास की बिना एंट्री दे रहे इस जगह पे, बिना पास की भी एंट्री होगी नहीं। गाइस फाइनली हमारे को यहाँ का पास मिल चुका है, ये देखिए VIP का पास मिला हुआ है। VVIP, अच्छा VVIP का पास मिल रखा है, और अब यहाँ से एंट्री करने वाले दोबारा से। चलो भाई, देव मानव यक्ष गंधर्व और बलशाली मायावी छल कपटी राक्षस, इन अस्त्रों शस्त्रों के होते हुए तुम्हारे सामने जीवित नहीं रहे। अब तुम दोनों साधारण जाओ। यज्ञ की धूम देखते ही वो राक्षस आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मेले का सीन। और ये देख सकते हो ये खाने पीने की आइटम वगैरह लग रखी है, यहाँ पेप्सी वगैरह खेल कूद मतलब कि गेम्स वगैरह भी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ गेम्स वगैरह, वहाँ से आते हुए दिखाऊँ आपको गेम्स वगैरह। तो यहाँ मेला लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये झूला खाने का पूरा मन करता है मतलब कि कार चलाने का। हाय थार देख लो भाई, झूला स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं झूले को एक बार ही सही से। भाई उस समय जाऊंगा नहीं अभी, उस समय ऐसे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और इस तरफ ये छोटा सा झूला लगा हुआ है। राम और लक्ष्मण अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। हमारे अहोभाग्य जो सूर्य कुल का दीपक हम चंद्रवंशियों के यहाँ आए, आक्षीधर ये अयोध्या से मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे साथ आए। प्रणाम राजन, यशस्वी भव, कीर्तिमान। तो जो बंदा खड़ा है लक्ष्मण के रोल में वो है गोलू भाई के बुआ। अब आप 12 दिनों तक यही मेरे यज्ञ में रहकर यज्ञ का भोग ग्रहण करें। देख सकते हो लक्ष्मण के रूप में राम लक्ष्मण भैया गोलू भाई के महाराज का आशीर्वाद। और बस पुत्र राम तुम्हारा तेज अनुपम है, ऐसा लगता है मेरे नेत्रों के इसका तात्पर्य है कि मेरी माता अब श्राप मुक्त हो गई है। भाई आप देख सकते हो यार, अब रावण की एंट्री होगी और रावण जो बना है ना, माता ध्यान से देखो रावण कौन बना है, और मुझे कमेंट में बताना कि रावण बना कौन है। आपने इनको रावण के रूप में बहुत जगह देखा होगा, मतलब टीवी पर देखा होगा आपने, ध्यान से देखो। पृथ्वी के सभी राजकुमारों को भेजा गया, अब पृथ्वी मंडलस्थ राजकुल के मुकुटधारी छत्रधारी राजकुमार महाराज जनक की कन्या विश्व मोहिनी सीता को जय कर ले मिथिला भवन में आगमन कर चुके हैं। आइए इतना विशाल धनुष जो आज तक किसी ने देखा भी नहीं।
तो भाई ये देखो रावण की एंट्री हो चुकी है यार, कितना गजब लग रहा है। ये देखो एंट्री चेक करो भाई, क्यों करना चाहिए किशोर राजकुमार। ये निर्बल युवा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, ये तुच्छ, इसे हिला भी नहीं पाएंगे। महाराजा जनक, इनसे कुछ ना हो पाएगा। प्रत्यंचा केवल दशानंद रावण ही चढ़ा सकता है। जिस धनुष से मेरे भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया था, भाई ध्यान से रोल देखो यार, ये रोल जिसने लक्ष्मण का रोल किया हुआ है, गोलू भाई का छोटा भाई है, चचताओं को लड़का है शायद, मुझे जहां तक अंदाजा है, बाकी मेरे दिमाग से उतरा हुआ है। तो भाई इसके डायलॉग चेक करो, कितना प्यारा डायलॉग मार रखा भाई ने। तमल रूपी सूर्य, मेरी एक प्रार्थना सुनिए, हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं शीश, राजा ने अनुचित वचन आज कहे जगदीश। जिस सभा में आप पधारे हो और खड़ा हो सेवक आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है ये वचन कटीले इस दुनिया में। भैया आप तो ना सही जात, तीर रघुवीर धी, तीर सम लगे हैं बहन, ललित मरोड़ मही कराऊं, बारिकनाथ सावधान। ऐसे मिथ्या और अनुचित वचन अपने मुख से ना निकालो, कहीं ऐसा ना हो ये रंगभूमि रणभूमि में परिवर्तित हो जाए। राजन होकर इस कदर ज्ञान फान बलवान, एक चरासी बात पर वीरों का अपमान, यू बिना विचारे कहते हो यह वचन तुम्हारे तीखे हैं, कटते हैं घायल हृदय को, बरछी है पान सरीखे हैं। बुलवाकर राज सभा में यूं क्षत्रिय कुल का अपमान किया, अपने मेहमानों का तुमने ये क्या अच्छा सम्मान किया। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी श्री राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। हे सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य, खटिक रहे हो कहां, निकालो मुक्ते बैन, झटक सड़क संकोच चटक चढ़ाऊं मैं। छत्रक दंड जिनी तप प्रताप बलिनाथ, जो मैं ए सोना करूं मुनीना धरव धनुहाथ, उनेना धरम धनुहा नाथ या ही परम रूपम उलट देहु ब्रह्मास, यदि क्षण में मैं कोपम। इन राजन संग हार मान, नाथ ना ही मुख मोड़म,
चरण कमल उरागदार बल में शिव फल को तोड़ डालू इस कदर जिससे जगत भयभीत हो। वीर मंडल पुकार उठे लक्ष्मण तुम्हारी ही जीत हो, लक्ष्मण तुम्हारी ही जीत हो। शांत रहो लक्ष्मण, कैसे शांत रहूं भैया। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल तेज प्रताप तिहारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, प्रताप तिहारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस खंडवा की बिसात ही क्या, सकल ब्रह्मा उठाऊं मैं। चल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं दो सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना पड़ा हुआ इनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना बल तो उंगली में है। कुमार, हमने जो कुछ भी कहा वो आपका अपमान करने के लिए ही कहा। एक पुत्री की विस्ता आप जानते हैं पुण्यशी, मेरी पुत्री का स्वयंवर और इनमें से कोई भी इस धनुष को खिला भी ना पाया। हम पर कृपा करें ब्रह्मदेव, हम पर कृपा करें। जो आज्ञा गुरुदेव, आज्ञा पाकर आपके जाता हूं मुनिराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब काज, लेकर तेरा आसरा चला मैं करने काज। हे ईश्वर रखियो मोरी इस भरी सभा में लाज। यशस्वी भक्त, ओम नमः शिवाय। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, गुरु ही प्रणाम के दिग्गज, एक कच्छप, 12 शेषनाग सावधान। अब प्रभु श्री राम शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हैं, कहीं इसकी गजकार से पृथ्वी डोल ले ना पाए, इसलिए तुम सब मेरे साथ मिलकर सब खान हो जाओ, सब खान हो जाओ, सब खान हो जाओ। जय श्री राम। बिहार के खंड खंड होने की संकार तपस्या कर रहे भार्गव मुनि परशुराम तक जा पहुंची। बिजली सी तरफ ठीक अगर नहीं
रही ध्वनि गंगोर पूजी समो हो धरती कांप उठी थर थर गिर क्या हुआ गंभीर योग निद्रा जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। तो भाई आपको ये देखने में कैसा लगा? अच्छा लगा? ये क्या कर रहा? अबे जैसे पूछ रहा हूँ रामलीला कैसी लगी? बता रामलीला कैसी लगी? ओके ओके भाई रामलीला इसको ओके लगी खाली ठीक नहीं लगी।